ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के लिए दाखिला प्रक्रिया आज से 3 मार्च को निकाला जाएगा पहला ड्रॉ। राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी, केसी और पहली कक्षा में आर्थिक पिछड़े वर्ग व वंचित और दिव्यांग श्रेणी की 25% सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। इन सीटों पर दाखिले के इच्छुक आवेदक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edu.nic.in पर उपलब्ध EWS/DG लिंक के माध्यम से 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ 3 मार्च को निकाला जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने EWS और DG श्रेणी के लिए आयु सीमा निर्धारित की है। इन श्रेणी के तहत नर्सरी में दाखिले के लिए आयु सीमा 31 मार्च 2023 तक 3 से 5 वर्ष होना अनिवार्य है। केजी के लिए आयु सीमा 4 से 6 वर्ष तय की गई है। वहीं पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 5 से 7 वर्ष होना जरूरी है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयु सीमा 3 से 9 वर्ष, केजी की 4 से 9 वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा 5 से 9 वर्ष है। एक आवेदक का एक ही आवेदन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन न हो, इसके लिए बच्चों का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी है। आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। सभी श्रेणियों में दाखिले के लिए अभिभावक के लिए 3 वर्ष से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस व वंचित वर्ग के दाखिले के संबंध में शिकायत http://doepvt.delhi.gov.in पर या फिर फोन नंबर 8800355192 या 9818154069 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक की जा सकती है। मालूम हो कि 25% सीटों में से 22% सीटें 1,00,000 वार्षिक पारिवारिक आय से कम वाले ईडब्ल्यूएस के बच्चे, डीजी श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अनाथ, ट्रांसजेंडर व एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए व अन्य 3% सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए है।